विद्यालय बरसाना से शेखर सैनी आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। ये भूगोल के आपका पार्ट दो है, भारत कृषि एवं सच्चाई। इस भाग में आपका एक टॉपिक आता है कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलों के प्रकार में हमारे रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। इन फसलों को बनाने से पहले हम बच्चों को ये बताएंगे कि उनके जितने भी उनके आसपास जो फसलें उगाई जाती हैं, हाँ, उन फसलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पूर्वाभ्यास में उनसे लेंगे। उसके बाद उन्हें बताएंगे कि रबी की फसल का समय जाड़े से प्रारंभ, जैसे अब जाड़ा शुरू होने वाला है, जाड़े के समय प्रारंभ होकर बोई जाएगी और बीज ऋतु जब प्रारंभ होगी तो एक काटी जाएगी। इसमें आपके आती है गेहूँ, इसमें है आपका गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई आदि। देखिए मैंने चने और राई में तो ये जितने भी चीजें हैं जो बच्चों के आसपास हैं वो हम उन्हें बताएंगे और फसलों के नाम प्रकार बताते जाएंगे। दूसरा हमारा आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल भी हमारी वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में हम इसे काटते हैं। इसमें आती है आपके धान, मक्का, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। फिर उसके बाद आएगी आपकी जायद की फसल। ये जायद की जो फसल है आपके से दो मंथ में ज्यादातर दिखती है, मार्च और अप्रैल। जैसे बच्चों से पूछा जाएगा खरबूज आप लोग खाते हैं, ये आपको सर्दियों में नहीं मिलेगा। खरबूज या तरबूज आपको मार्च अप्रैल में मिलेगा। इस प्रकार से हम सारी फसलों के मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम कृषि फसलों के प्रकार बताएंगे।